Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Educational, and in this video we are going to cover a new chapter of Indian polity. This is NHRC. You can see the full form, National Human Rights Commission. We will be discussing in this chapter. This is 55th chapter of Indian polity. ठीक है, ये लक्ष्मीकांत की बुक मैं कवर कर रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से. तो आपको पूरी सीरीज देखनी है, अच्छे से देखनी है, बड़े ही ध्यान से सुनना है. एंड इसका नोट भी मैं लास्ट में पीडीएफ के तौर पे दे दूंगा. जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको नोट भी मिल जाएगा. ये सीरीज़ मैं समरी टाइप नहीं बना रहा हूँ, इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में. ये सीरीज़ मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि आपको कंटेंट जो मिले वो काफ़ी इफेक्टिव कंटेंट हो और आपका सारा का सारा जो तैयारी है स्पेसिफिकली जो इस पार्ट की इंडियन पॉलिटी की वो अच्छे से हो जाए. एक और मेरी सीरीज़ है उसको भी आप देख सकते हो, वो सीरीज़ इंडियन इकोनॉमी की है जहाँ पे रेफरेंस मैंने रमेश सिंह के बुक से लिया है और पूरा इस सीरीज़ को कवर किया है. ठीक है, अगेन बहुत हिट सीरीज़ है, ये बहुत अच्छी सीरीज़ है, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इफेक्टिव वे से मैंने समझाया है और एग्जांपल्स भी मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें दिए हैं. तो देखना, अच्छे से ध्यान से देखना, एंड इसको आप 4 या 5 दिन में कम्प्लीट कर सकते हो. उसके बाद नोट ले सकते हो आप, पीडीएफ अवेलेबल है ताकि आप मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन. चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ मिल जाए तुरंत ही. तो अब बात करेंगे हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में स्पेसिफिकली. तो अगर बात करें इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ एक एक्ट लाकर. सो दैट इज़ वाई एक्ट आया तो इसको स्टैचूटरी बॉडी बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन से ये बॉडी नहीं बनाई गई है, ये बॉडी बनी है बाद में एक एक्ट लाके. वो एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो कि 1993 में पास किया था सरकार ने, और उसी साल 1993 में उस एक्ट के साथ ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन कर दिया गया. ठीक है, तो ये एक स्टैचूटरी बॉडी है. स्टैचूटरी बॉडी से क्या समझते हो, ऐसी बॉडी जो कि एक एक्ट लाके, पार्लियामेंट के एक्ट लाके बनाई जाए उसको कहते हैं स्टैचूटरी बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही उसी में उसी के प्रोविजन के हिसाब से बनाई गई बॉडी हो तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ें. नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो काम है ये एक वॉचडॉग की तरह काम करता है, ह्यूमन राइट्स को देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है कि हमारे कंट्री में कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हुआ है. स्पेसिफिकली लाइफ से रिलेटेड जो राइट्स हैं, लिबर्टी से रिलेटेड जो राइट्स हैं, या फिर इक्वालिटी या डिग्निटी से रिलेटेड जो राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या फिर किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन में इम्बोडीड हैं, उसको ये मोनिटर करता रहता है, उसको ये देखता रहता है उसकी वायलेशन नहीं हो या फिर हुई है तो उसके लिए ये एक्शन भी लेता है. तो ये एक ऐसी बॉडी है जो वॉचडॉग की तरह काम करती है ह्यूमन राइट्स को देखने के लिए. लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ कि ये जो इंटरनेशनल कोविनांस हैं, ये कोविनांस के द्वारा जो ह्यूमन राइट्स जो इस्टेब्लिश होते हैं वो इन्फोर्सिएबल होने चाहिए कोर्ट के द्वारा, तभी ये उसको उस वॉयलेशन को ये इनिशिएट कर सकता है, उस पर फर्दर सुनवाई कर सकता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में स्पेसिफिक बात करेंगे. तो ये एक ऐसे ऑब्जेक्टिव के साथ काम करता है जिससे कि जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, जो हमारे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से मेरा तात्पर्य ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन चीज़ें हैं उसके लिए मैकेनिज्म है कि कोई भी वॉयलेशन होता है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी वगैरह से, तो उसको कैसे हम लोग, एक ऑलरेडी सिस्टम है उसको एक अरेंजमेंट के तौर पे कह सकते हैं आप, उसी को इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कहते हैं, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए इसके लिए इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये काम करता है. एंड इट ऑल्सो लुक इन टू द एलिगेशन ऑफ एक्सेसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट. कहने का मतलब है कि सरकार भी कई बार किसी भी ह्यूमन राइट को वॉयलेट करती है, करती रही है, ऐसा ट्रेंड देखा गया है. कर सकती है नहीं बोलते हैं, एक्चुअली करती है. सरकार के द्वारा कई बार एडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली कई बार सरकार के द्वारा ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है, उसको भी ये देखती है, उस मैटर में घुसती है, उसको उसकी जाँच करती है, उस पर कई बार रिकमेंडेशन भी देती है. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इट कम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द एफर्ट्स विच हैज ऑलरेडी बिन मेड। तो कहने का मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, कई सारे एफर्ट्स ऐसे भी लगाए गए हैं जिससे कि ह्यूमन राइट्स को हमेशा सर्वोपरि रखा जाए, उसकी वॉयलेशन ना हो, उनको भी ये कम्प्लीमेंट करता है, उनको भी ये और फर्दर स्ट्रेंथ करता है जो कि ऑलरेडी एफर्ट्स लगी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कॉम्पोजिशन कुछ इस प्रकार है। इसमें एक बेसिकली एक मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें कई सारे लोग काम करते हैं। सबसे ऊपर होते हैं चेयरपर्सन और उनके नीचे 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर। चेयरपर्सन जो होते हैं वो एक रिटायर्ड CJI हो सकते हैं या फिर कोई एक जज हो सकते हैं जो कि रिटायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो चेयरपर्सन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वो कौन होते हैं। वहाँ पे ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे करके ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको आपका आंसर बड़ा ही इजी होना चाहिए, बड़ा ही यू नो अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि CJI हो सकते हैं या फिर एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी चेयरपर्सन हो सकते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर बात करें मेंबर्स की, तो एक मेंबर जो होंगे 5 मेंबर में से वो होंगे या तो रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के या फिर कोई सर्विंग या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के। ठीक है, एक जज जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। ठीक है, और एक जज जो होंगे वो चीफ जस्टिस होंगे किसी भी हाई कोर्ट के, या तो वो रिटायर्ड हो या फिर सर्विंग हो। तो एक हो गए यहाँ पे, यहाँ पे क्लियरली मैं लिख देता हूँ, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक होंगे सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, दो मेंबर हो गए, बचे तीन। तीन में से एक होंगी महिला, वन वूमेन। ठीक है, तीन में से फर्दर इसको डिवाइड करें तो वन वूमेन होंगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 persons आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी वूमेन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इनको ह्यूमन राइट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एक महिला होंगी इसमें से। तो ये कुछ इस प्रकार से कंपोजिशन। इनके अलावा भी, ये तो परमानेंट मेंबर्स हो गए, कुछ 7 और मेंबर्स होते हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जिनका कंपोजिशन कुछ इस प्रकार है। द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है, ये भी इसके मेंबर होते हैं एक्स ऑफिशियो में। द नेशनल कमीशन फॉर SCs, सब चेयरपर्सन हैं। द नेशनल कमीशन फॉर STs, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। तो ये 7 लोग और भी होते हैं, 1+5 जो कि परमानेंट है, जिसमें एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर जो कि परमानेंटली काम करते हैं। इनके अलावा भी 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स काम करते हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको दिया। आगे बढ़ते हैं। ये सारे लोग अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। दे आर अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट विथ द कंसल्टेशन ऑफ 6 मेंबर कमिटी। देखिए यहाँ पर विथ द कंसल्टेशन ऑफ 6 मेंबर कमिटी, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, बट 6 मेंबर की कमिटी का कंसल्टेशन लेना जरूरी है। ये 6 मेंबर की कमिटी में PM होते हैं हेड, मतलब उसमें पार्ट होते हैं, स्पीकर होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ इन बोथ द हाउसेज एंड HM एक हो गए ये दोनों हाउसेस के लीडर, अपोजिशन के 2, ठीक है, एक डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, एक स्पीकर, कितने हुए 1, 2, 3, 5 और एक PM इसके हेड। तो टोटल 6 मेंबर की कमिटी के साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही इन मेंबर्स की नियुक्ति या फिर अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सिटिंग जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट को के, अगर उनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है NHRC में, तो उसके लिए कंसल्टेशन लेना पड़ेगा CJI का। देखिए यहाँ पे 2 केसेस है, या तो कोई सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट का या फिर कोई सिटिंग चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उसका अपॉइंटमेंट करना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, तो उसके लिए कंसल्टेशन CJI का भी जरूरी है। ठीक है,
ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सिटिंग जज है ना वो, सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट का, या फिर सिटिंग चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, तो वहाँ पे कंसल्टेशन सीजीआई का बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, 3 ईयर्स इनका जो यू नो जो टेन्योर है वो 3 साल का है, 3 साल का है, या तो 3 साल सर्व कर सकते हैं या मैक्सिमम 70 साल की उम्र तक सर्व कर सकते। कहने का मतलब, कोई एक बंदा है जो कि 68 साल का है, वो अपॉइंट हो गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए, तो वो मैक्सिमम 70 तक काम कर सकता है, मतलब और 2 साल काम कर सकता है। कोई बंदा है जो कि 57 का ही है, उसको अपॉइंट कर दिया गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, तो वो डेफिनेटली 3 साल तक काम कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें चलता है। रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब एक जो मेंबर है या फिर चेयरपर्सन है दोबारा ही चेयरपर्सन या फिर मेंबर बन सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन है। बट यहाँ पे दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि रीअपॉइंटमेंट तो हो सकता है, लेकिन रिटायर होने के बाद इनको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में फर्दर इनको नौकरी नहीं मिल सकती। ये इसलिए रखा गया है ताकि ये किसी भी यू नो गवर्नमेंट को फेवर ना कर दे, इसलिए रखा गया है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम ऑल्सो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन कौन से सर्कमस्टांस होंगे जब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि इनको रिमूव भी किया जा सकता है, या तो ये इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी ये वर्क करने लगे तो भी इनको हटाया जा सकता है, या फिर इनका जो यू नो माइंड है या फिर बॉडी है ठीक से काम नहीं कर रहा है, इनफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, तब भी इनको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। या कई बार इनको अनसाउंड माइंड होते हैं, तब भी इनको हटाया जा सकता है। एंड ये अनसाउंड माइंड का जो डिक्लेरेशन है वो होना चाहिए किसी कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को लग रहा है कि कोई बंदा लगता है कि ये अनसाउंड माइंड है, ऐसे ही प्रेसिडेंट बोल दिया और हटा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। कंपिटेंट कोर्ट का मानना होना चाहिए कि ये बंदा अनसाउंड माइंड का है, तभी इसको हटाया जा सकता है। या तो फिर उसको सेंटेंस किया गया है, कन्विक्शन हुआ है, सेंटेंस दिया गया है पन ऑफ किसी ऑफेंस के लिए, तब भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये सब किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। इनको और भी कुछ ग्राउंड पे हटाया जा सकता है, जैसे कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर मतलब कि मिसबिहेव किया उन्होंने, और इनकैपेसिटी मतलब कि काम ठीक से वो नहीं कर सकते, कैपेबल नहीं है। इसके लिए मैटर को रेफर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के लिए फॉर एन इंक्वायरी। इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी जब पूरी हो जाती है और लगता है कि सही में मिसबिहेवियर हुआ है या फिर इनकैपेसिटी है, उस केस में अपना रिकमेंडेशन देगी सुप्रीम कोर्ट, और उसको उसके उसके ऊपर प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं। अगर इंक्वायरी में निकला कि मिसबिहेवियर नहीं हुआ है तो प्रेसिडेंट नहीं हटा सकते, अगर इंक्वायरी में निकला कि मिसबिहेवियर हुआ है तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको सैलरीज अलाउंसेज एंड कुछ अदर कंडीशंस भी हैं इनके ऊपर। सैलरीज जो होती है ये डिटरमाइन की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी वेरी टू हिज डिसअपॉइंटमेंट डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। कहने का मतलब है कि इनकी ऑफिस की वैल्यू रखने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी इनकी सैलरी को यू नो घटा दिया जाए, इनके डिसएडवांटेज में कर दिया जाए। ये इसलिए रखा गया है ताकि मतलब ये इंडिपेंडेंट काम करें और अच्छे से काम करें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये लोग प्ले करते हैं। तो इनकी सैलरी जो है वो या फिर सर्विस कंडीशन जो है उसको वेरी नहीं किया जा सकता इनके डिसएडवांटेज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ द कमीशन, तो ये कमीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है, जैसे कि इट इंक्वायर इनटू एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेग्लिजेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट इधर सो मोटो और ऑन पिटिशन। तो क्या करता है ये, फंक्शन करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ह्यूमन राइट का अगर वायलेशन हुआ है या फिर ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है उसको निग्लेक्ट किया गया है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, उस केस में सो मोटो मतलब खुद से ही ये इंक्वायरी कर सकता है, या फिर कोई पिटीशन डाल दे एनएचआरसी के पास कि ऐसे ऐसे हुआ है, तब भी उस पिटीशन पे ये काम कर सकता है, या तो खुद से काम कर सकता है या कोई पिटीशन आया कि हाँ यहाँ पे वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट का, तो वहाँ पे ये इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये इंटरवेन कर सकता है कोई भी, अगर एलिगेशन लगा है ह्यूमन राइट के यू नो वायलेशन का, और वो जो एलिगेशन है वो ऑलरेडी किसी कोर्ट में पेंडिंग है, तो वहाँ पे भी ये इंटरवेन कर सकता है कि ठीक है पर्टिकुलर किसी कोर्ट में कोई यू नो एलिगेशन है जो कि वहाँ पे वो मुद्दा ऑलरेडी केस के तौर पे दर्ज किया गया है, ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है किसी भी कोर्ट में, तो ये क्या करेगा NHRC जो है इसमें इंटरवेन भी कर सकता है, इसमें इंटरवेन कर सकता है, ये भी इसका फंक्शन है। नेक्स्ट, इट कैन विजिट टू द जेल्स एंड डिटेंशन प्लेसेस, वहाँ पे ताकि लिविंग कंडीशन को देख सके, जो कैदी हैं जो कि इनमेट्स हैं जो कि ऑलरेडी यू नो कैद में हैं उनके कंडीशन के लिए, उनको कैसी यू नो उनको लिविंग कंडीशन है कि नहीं, वहाँ पे जानवरों की तरह तो नहीं रखा गया, कई बार ऐसा हुआ है, तो जेल को विजिट करते हैं, डिटेंशन प्लेसेस को विजिट करते हैं और ये रिव्यू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स अवेलेबल टू द किसके लिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं या फिर लीगल सेफगार्ड्स हैं उसको भी ये रिव्यू करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ह्यूमन राइट का वॉयलेशन ना हो इसके लिए ये काम करते हैं। दे ऑल्सो रिव्यू, दिस कमीशन ऑल्सो रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जो भी मतलब टेररिज्म की वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि अभी J&K में टेररिज्म खूब था, इनफैक्ट अभी भी है, तो होता क्या है कि वहाँ के लोग डरे रहते हैं, अपना ह्यूमन राइट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बाहर ठीक से नहीं निकल पाते, उनको रहता है कभी भी बम गिर जाएगा उनके ऊपर, तो ऐसे चीज़ों को कैसे यू नो हटाया जाए सिस्टम से, कैसे ही इसको इससे बचा जाए, इस भी इन सारे फैक्टर्स को ये रिव्यू करता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड अंडरटेक एंड प्रमोट द रिसर्च, तो क्या होता है कि देखिए ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे जिनेवा कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन में जो प्रिजनर ऑफ वार होता है उसके लिए कुछ यू नो राइट्स दिए गए हैं कि उसको कैसे रखना है, उसकी सेफ्टी कैसे चाहिए, उसकी ह्यूमन कंडीशन में रखना है, इन सारी बातों का ध्यान देना चाहिए, तो ये भी इसकी भी स्टडी करते रहते हैं ये लोग।